10 आदतें जो आपको हर दिन स्मार्ट बना सकती हैं। स्मार्ट लोगों में आम बात यह होती है कि वे जीवन शैली की उन आदतों के प्रति समर्पित होते हैं जो उनके मेंटल हेल्थ को सपोर्ट और सुरक्षा करती है। आदतें हमें इंसान बनाती हैं और निश्चित रूप से सच है। जब आप उन लोकप्रिय उद्यमियों और शिक्षावादियों को देखते हैं जो दैनिक समस्याओं के समाधान सोचने की अपनी क्षमता के कारण अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंच गए हैं, हमने उन 10 आदतों को इकट्ठा किया है जो उन सभी में लगभग समान थी, और हम सोचते हैं कि आपको हर दिन स्मार्ट बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सुनिश्चित करें कि आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो अगर आप अपनी सोचने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, मुश्किल समस्याओं का हल आसानी से निकालना चाहते हैं और खुद को मानसिक रूप से तेज बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। प्रश्न पूछें। सवाल पूछने की आदत आपको हर दिन थोड़ा स्मार्ट और स्मार्ट बना सकती है। एक जर्मन फिलोसोफर ने कहा है, नॉलेज कैन ओनली विद दोज हु हैव क्वेश्चंस। जब हम सवाल पूछते हैं तो हमारा दिमाग गहराई से सोचने और समस्या को समझने की कोशिश करता है। ये आदत आपकी जिज्ञासा क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है और नई चीज़ों को जानने का रास्ता खोलती है। ज़्यादातर लोग सवाल नहीं पूछते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बेवकूफ़ दिखेंगे, लेकिन सच्चाई से दूर नहीं हो सकते। सीखने के लिए प्रश्न पूछना और उत्तर ढूंढना बहुत आवश्यक है। जब हम छोटे थे तो हर जो चीज़ हम देखते थे उसके बारे में क्वेश्चन करते थे, जैसे आकाश नीला क्यों होता है, बारिश कैसे होती है, रात क्यों होती है। अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे तो उसके बारे में पूछने से डरिए मत, खुद से सवाल कीजिए। उस टॉपिक के बारे में इंटरनेट पर सर्च कीजिए, बुक्स पढ़िए। ये काम दिखने में तो बहुत आसान है पर हम करते नहीं हैं। इस काम को करने में टाइम तो जाएगा पर हमें इस काम को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये प्रैक्टिस आपके इंटेलिजेंस को बढ़ा सकती है। मेडिटेशन करें। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी सोच को शांत करके अपने मन को वर्तमान पर केंद्रित करते हैं। यह आपकी मानसिक क्षमता और सोचने की शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। रोजमर्रा की भाग दौड़ और तनाव से हमारा दिमाग थक जाता है। मेडिटेशन इसे आराम देने का सबसे अच्छा तरीका है। नियमित ध्यान करने से आप किसी भी काम पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मेडिटेशन तनाव और चिंता को कम करके आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। मेडिटेशन आपके विचारों को सकारात्मक बनाता है जिससे आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं कि कब करें, कैसे करें, तो कमेंट में हमें बताइए, हम इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाएंगे। तो अभी से मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और हर दिन खुद को और भी स्मार्ट और शांत बनाएं। स्मार्ट लोगों के साथ समय बिताएं। स्मार्ट लोग वो होते हैं जो नई चीज़ें सीखने की चाह रखते हैं, प्रेरणा देते हैं और समस्याओं का हल निकालने में माहिर होते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आप उनकी सोच, आदतों और तरीकों से प्रभावित होते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। स्मार्ट लोग अक्सर नई सोच और आइडिया लेकर आते हैं। उनके साथ समय बिताने से आप उनकी सोचने की शैली को समझ सकते हैं। अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखेंगे जो मेहनती हैं, उत्साहित हैं, तो आप भी प्रेरित महसूस करेंगे। स्मार्ट लोगों से आप नई स्किल, ज्ञान, दृष्टिकोण सीख सकते हैं। यह आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ करने में मदद कर सकता है। जब आप स्मार्ट लोगों के साथ रहते हैं तो उनके निर्णय लेने के तरीके को देखकर आप भी समझदारी से फैसला लेना सीख सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर आपको नए और प्रभावशाली लोगों से मिलवाते हैं जिससे आपका नेटवर्क मजबूत होता है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो खुद को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन वास्तव में नकारात्मकता फैलाते हैं। जब आप स्मार्ट लोगों के साथ हों तो आलोचना सुझाव को खुले दिल से स्वीकार करें। याद रखें, आप उन्हीं 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। तो अब यह सोचिए कि आप किनके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। सोचने के लिए समय निकालें। तेजी से भागती हुई जिंदगी में हम कई बार सोचने के लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन सही निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने तथा खुद को बेहतर बनाने के लिए सोचने का समय निकालना बहुत जरूरी है। हम सभी आसानी से एक चीज़ से दूसरी चीज़ की ओर भटक जाते हैं, आप जानकारी के वास्तविक सार को ठीक से समझ नहीं पाते। आपने जो सीखा है उस पर रुककर विचार करने की आदत अत्यधिक फायदेमंद है और वास्तव में सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप सोचने के लिए समय निकालते हैं तो आप उन सभी कारकों पर विचार करते हैं जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे संबंध हो सकता है। आपको 3 से 5 कदम आगे की योजना बनानी होगी और आप शायद ही कभी बातचीत में कमी महसूस करेंगे। जो स्मार्ट लोग होते ना, वो सुनते तो ज़्यादा हैं पर बोलते कम हैं, और जितना बोलते हैं उसमें बहुत कुछ कर लेते हैं। सोचने का समय निकालना
न केवल आपको स्मार्ट बनाता है बल्कि यह आपकी जिंदगी को ज्यादा व्यवस्थित और अर्थपूर्ण भी बनाता है। तो हर दिन कुछ मिनट शांति से बैठें, अपने विचारों को स्पष्ट करें और अपने जीवन को बेहतर दिशा दें। याद रखें, स्मार्ट वही है जो सही समय पर सोचता है और सही समय पर काम करता है। नियमित रूप से व्यायाम करें। एक्सरसाइज न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाती है बल्कि आपके दिमाग को भी तेज बनाती है। जब आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो यह आपकी ऊर्जा, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। एक्सरसाइज करने से आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो बढ़ता है, इससे आपकी सोचने और समझने की क्षमता तेज होती है। एक्सरसाइज आपके शरीर में एंडोर्फिन नामक हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है जो तनाव और चिंता को कम करता है। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी याददाश्त को मजबूत करता है और चीज़ों को जल्दी सीखने में मदद करता है। जब शारीरिक स्वास्थ्य फिट होता है ना, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। जितना हो सके कम से कम एक एक्सरसाइज तो डेली करें, उसके लिए समय निकालें। इसके लिए आप अपने आसपास के जिम को साइन अप कर सकते हैं और कुछ मील दौड़ के लिए कुछ दौड़ने वाले जूते खरीद सकते हैं, या योग करें और घरेलू वर्कआउट करें, ये भी आप कर सकते हैं। परंतु डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। डेली एक्सरसाइज न केवल आपके शरीर को फिट करता है बल्कि आपकी मानसिक क्षमता को बढ़ाता है। तो आज ही अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करें, खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्मार्ट बनाएं। याद रखें, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। काम के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेना। आज का जो युग है वो डिजिटल युग है, इसमें हमारे पास इतनी सूचनाएं मिलती है ना कि उन सूचनाओं के बाहर जाना हमारा दिमाग थक जाता है। कभी कोई न्यूज़ आ रही है, कभी कोई न्यूज़ आ रही है, हमारा दिमाग समझ नहीं पाता कि क्या रखें क्या छोड़ें, तो उस पर ब्रेन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और ब्रेन थक जाता है। जो हो रहा है उसके संपर्क में हमेशा बने रहना अच्छी बात नहीं है, इसलिए ऐसे बर्नआउट से बचने के लिए ना कभी कभी एक छुट्टी होनी भी चाहिए। लगातार काम करने से हमारा दिमाग थक जाता है, छोटे छोटे ब्रेक लेने से हमारा दिमाग रीसेट होता है, वो बेहतर तरीके से काम करता है। कई घंटों, हफ्तों या महीनों तक काम करने के बाद वो मानसिक शांति के क्षणों और ठहराव के अभाव के कारण हम ऑटोमेटिक रूप से सोचने लगते हैं। लंबे समय तक बैठे रहने से भी हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रेक के दौरान थोड़ा चलने फिरने से प्रभाव कम हो जाता है। यही बात पढ़ने पर भी लागू होती है। जब आप लगातार कुछ घंटों तक पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद ब्रेक लेंगे आप बेहतर ढंग से आत्मसात कर पाएंगे। इस खाली समय में आप थोड़ी सैर करें, ध्यान लगाएं, एक्सरसाइज करें या घर का कोई और काम कर सकते हैं। बस अपने आप को मानसिक शांति दें, मतलब ब्रेन पर कोई स्ट्रेस ना डालें उस टाइम में। उस ब्रेक का मतलब यही है कि ब्रेन को कोई स्ट्रेस ना दें, शांत रहें। काम के दौरान छोटे छोटे ब्रेक न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाते हैं बल्कि आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। इसलिए अगली बार जब आप लंबे समय तक काम करें तो 5 मिनट का ब्रेक लेना ना भूलें। याद रखें, छोटे ब्रेक लंबे समय तक काम करने की कुंजी है। संगठित रहना सीखें। संगठित रहना न केवल समय बचाता है बल्कि आपके काम को आसान और प्रभावी बनाता है। यह आदत आपको अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से हासिल करने में मदद करती है। संगठित होने से आप जरूरी चीज़ों को याद रखते हैं और भूलने की संभावना कम हो जाती है। हर सुबह या रात में अगले दिन का प्लान तैयार करें, अपने दिन के कामों की एक सूची बनाएं। सबसे जरूरी काम को सबसे पहले रखें, कम जरूरी और बाद में किए जा सकने वाले काम को अलग रखें। हर काम के लिए एक सीमा तय करें, इससे आप फोकस रहते हैं। काम करने की जगह साफ सुथरी हो और व्यवस्थित हो। डेस्क पर केवल वही चीज़ें हों जो आपके काम के लिए ज़रूरी हैं। कागजात और डिजिटल फाइल को सही तरीके से अलग अलग फोल्डर्स में रखें। फोल्डर्स और फाइल्स को सही नाम दें। अपने स्मार्टफोन या कैलेंडर में काम और डेडलाइन के रिमाइंडर सेट करें। रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे चाबियां, नोटबुक, चार्जर आदि सब एक ही जगह पर रखें। मल्टीटास्किंग से बचें, एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दें। जो चीज़ें जरूरी नहीं है उन्हें हटा दें, पर इसका मतलब ये नहीं कि बस लगे रहें उस काम में भी। संगठित रहने के चक्कर में खुद को थकाएं नहीं। काम के बीच में छोटी छोटी ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। संगठित रहने की आदत रातों रात नहीं बनती, इसे धीरे धीरे फॉलो करें। स्टार्टिंग में छोटे छोटे काम जैसे डेस्क या अलमारी को मैनेज करना शुरू करें। संगठित रहना एक कला है जो आपको समय, ऊर्जा और मानसिक शांति देती है। यह आदत आपको न केवल स्मार्ट बनाती है बल्कि आपके जीवन को सरल और प्रोडक्टिव भी बनाती है। याद रखें, एक संगठित जीवन ही एक सफल जीवन की नींव है। दूसरों के व्यवहार पैटर्न का अध्ययन करें।
व्यवहार पैटर्न को समझना हमें न केवल दूसरों के साथ बेहतर संवाद करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें बताता भी है कि लोग किस स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। जब आप दूसरों के व्यवहार को समझने में सक्षम होते हैं तो आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। ये गलतफहमियों और झगड़ों को कम करता है। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति से बात करते समय उसकी बातों को ध्यान से सुने, उसके शब्दों उनकी भावनाओं के बीच के अंतर को समझें। लोग अपनी शारीरिक भाषा से बहुत कुछ व्यक्त करते हैं। उनके हाव भाव, चेहरों की भावनाएं, हाथों की हरकतें, आंखों का संपर्क आपको उनके मन की स्थिति को जानने में मदद कर सकता है। अगर आप किसी के व्यवहार को समझना चाहते हैं तो पहले खुद को एक अच्छा श्रोता बनाएं। जब आप उनके विचारों को सुनते हैं तो उनकी प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। दूसरों के व्यवहार को समझने के बाद रचनात्मक और सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का प्रयास करें। इससे आप दोनों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। दूसरों के व्यवहार पैटर्न को समझना एक महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल है जो आपको बेहतर इंसान बनाता है और आपके संबंधों को अधिक प्रभावी बनाता है। यह आपको उनके दृष्टिकोण और भावनाओं को समझने में मदद करता है, जिससे आप अपने व्यक्तित्व और सोच में भी सुधार कर सकते हैं। याद रखें, जब आप दूसरों को समझते हैं तो आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं। सक्रिय रूप से निरीक्षण करें। हालांकि आप अपने चारों ओर सब कुछ देख सकते हैं, क्या आप सच में उस पर ध्यान देते हैं? हम में से बहुत से लोग दुनिया को बिना कुछ सोचे समझे उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखते हैं जो हमें तुरंत प्रभावित करते हैं। सक्रिय रूप से निरीक्षण करना यानी अपनी आँखों और दिमाग से हर चीज़ को गहरी नज़र से देखना। केवल यही नहीं, जो हम आँखों से दिख रहा है उस पर विश्वास कर लें, नहीं, हमें अपना दिमाग भी लगाना है कि क्या हो रहा है। जब आप सक्रिय रूप से निरीक्षण करते हैं तो आप केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं देखते बल्कि उनके पीछे छिपी हुई परतों को भी देखने की कोशिश करते हैं जो साधारण दृष्टि से छिपी रहती हैं। किसी भी स्थिति या घटना को देखे बिना उसे तुरंत जज न करें, उसके पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करें। वर्तमान स्थिति पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। अपने इंद्रियों का पूरी तरह से उपयोग करें, आंखों से देखना, कानों से सुनना, हाथों से छूना आदि। जब आप किसी स्थिति को महसूस करें तो खुद से सवाल करें, ये क्यों हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इससे आपको ज़्यादा गहरी समझ मिलती है। हमेशा वही नहीं सोचें जो पहले से तय है। एक अलग दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने की कोशिश करें ताकि आप नई जानकारी प्राप्त कर सकें। सक्रिय निरीक्षण में समय लगता है, इसलिए हर स्थिति को तुरंत समझने के लिए दबाव न डालें। उसे पूरी तरह से महसूस और समझने का प्रयास करें। सक्रिय रूप से निरीक्षण करने से आप दुनिया को एक नई और समझदारी से देखने लगते हैं। यह आदत आपको जीवन को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है और आपकी सोच को अधिक सूझबूझ से भर देती है। याद रखें, जो चीज़ आप देखते हैं वही नहीं है। एक गहरी नज़र और समझ से हर स्थिति को देखें। मानसिक चुनौती देने वाले खेल खेलें। खेल केवल शारीरिक गतिविधि तक सीमित नहीं रहते बल्कि मानसिक खेलों का भी उतना ही महत्व है। जैसे शारीरिक खेलों की नियमितता होती है, वैसे ही मानसिक खेलों की भी नियमितता बनानी चाहिए। रोज कम से कम 15 से 20 मिनट मानसिक खेलों को खेलने से मस्तिष्क को पर्याप्त आराम मिलता है। शुरुआत में आसान खेल खेलें, लेकिन धीरे धीरे अपनी चुनौतियों को बढ़ाएं। मानसिक खेलों को अकेले में खेलने की बजाय अपने दोस्तों परिवारों के साथ खेलें। मानसिक खेलों से भी मस्तिष्क को थकावट हो सकती है, इसलिए कुछ समय के बाद मस्तिष्क को आराम देना बहुत जरूरी है। मानसिक खेल जैसे शतरंज या सुडोकू मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को सक्रिय करते हैं, जिससे मस्तिष्क की कार्य क्षमता और सोचने की गति बढ़ती है। शतरंज एक बहुत ही प्रसिद्ध मानसिक खेल है जो रणनीति और योजना पर आधारित है। इसमें आपको कई कदम पहले से सोचना होता है और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। जब आप मानसिक खेलों में व्यस्त होते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह से उस खेल पर होता है, जिससे आपके तनाव और चिंता के स्तर में कमी आ जाती है। मानसिक खेलों में आपको धैर्य और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। जब आप इन खेलों को खेलते हैं तो आप जल्दी हार मानने के बजाय समाधान ढूंढने लगते हैं। मानसिक खेलों को खेलने से न केवल आपकी मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है बल्कि यह आपको स्मार्ट और तेज भी बनाता है। यह आपके सोचने की प्रक्रिया को तेज करता है और निर्णय लेने में आपको बेहतर बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग हमेशा सक्रिय रहे और आप हर स्थिति में तेज निर्णय ले सकें तो मानसिक खेलों को अपनी आदत में जरूर डालें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी आदत आपकी ओवरऑल स्मार्टनेस पर सबसे अच्छा प्रभाव डालेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो हमें लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई अपडेट ना छूटे। हम आपको कल फिर यहीं मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए,
स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।